यूक्लिड डिवीजन लेमा की एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम दूसरी एप्लीकेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा की पढ़ने जा रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए कुछ विशेषताएं होती हैं हर पॉजिटिव इंटीजर की, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये बोलता है कि ए को बी से डिवाइड करने पर क्यू रिमाइंडर आए, सॉरी क्यू कोशेंट आए और आर रिमाइंडर बचे, तो हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। जो डिविडेंड है उसको डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखा जा सकता है। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। एक बेसिक प्रॉपर्टी सम और विषम संख्याएं आपने पढ़ी होंगी, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। आपने पढ़ा है कि इवन नंबर जो होते हैं उनको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, 0 रिमाइंडर बचता है, और जो संख्या विषम होगी उसको 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता है। ये चीज आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। तो यहां इसी चीज को हम रिकैप कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से। सपोज हमने कोई नंबर लिया इवन नंबर, जैसे 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये कुछ इस तरह से होगा। हम इसको क्या लिखेंगे, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0। इसी तरह से 10 या 12 ले लीजिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी एक इवन नंबर है, 2 6 से 12 बचा 0। तो हम 12 को इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 0। इसी तरह से हम 16 को लेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 0 आए। अगर हम 102 को लेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 51 प्लस 0 बचेगा। आप इवन नंबर्स के केस में देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमेशा 0 आ रहा है। इसी टाइप से अगर आप ऑड इंटीजर्स को लेंगे, जैसे 9 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 फोर ज 8 प्लस 1 रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे हम 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, 2 फोर ज 1 प्लस 2 फोर ज 8 प्लस 1 9 हो गया। 15 को 2 इंटू 7 प्लस 1 लिखेंगे, 29 को आप 2 इंटू 14 प्लस 1 लिखेंगे। तो ये इवन नंबर्स हैं और ये ऑड नंबर्स हैं। सभी इवन नंबर्स के केस में आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 बच रहे हैं, और अगर ये 0 हम ना भी लिखें तो काम चल जाएगा, प्लस 0 अगर ना भी लिखा जाए तो काम चल जाएगा। तो अब आप यहां देख रहे हैं कि ये सभी नंबर्स कुछ इस टाइप के हैं कि 2 सभी में आ रहे हैं एज ए फैक्टर, एक गुणनखंड के रूप में 2 सभी में आ रहे हैं, और जो क्वोशेंट आ रहा है, भागफल आ रहा है, वो सभी का अलग अलग आ रहा है। तो क्यों ना हम इसको 2 इंटू समथिंग लिख दिया जाए, 2 क्यू लिख दिया जाए, जहां पर क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्यू इज एनी इंटीजर, क्यू कोई भी पूर्णांक हो सकता है। कहने का मतलब किसी भी सम संख्या को 2q लिखा जा सकता है जहां पर क्यू कोई भी पूर्णांक है। इसी प्रकार से जो विषम संख्याएं होती हैं, ऑड इंटीजर्स होते हैं, उनमें क्या हो रहा है, 2 सभी में है, मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है, मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है हर एक में, प्लस 1 सभी में आ रहा है। एक चीज सभी में कॉमन है कि 2 एज ए फैक्टर, एक गुणनखंड के रूप में 2 आ रहा है, एक भाजक, भाजक के रूप में कहेंगे हम, कोशेंट के रूप में 2 आ रहा है, और रिमाइंडर के रूप में 1 सभी में आ रहा है। मींस 2 सभी में है, 1 सभी में है, चेंज कहां है, फर्क कहां आ रहा है, कोशेंट में। तो कोशेंट को हम इन जनरल क्यू से लिख देते हैं। तो यहां क्या हुआ कि जो भी ऑड इंटीजर्स हैं उनको हम 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो अपना इवन इंटीजर्स हैं उनको हम क्या लिख सकते थे, 2q की फॉर्म में। तो ये एक इवन और ऑड नंबर से रिलेटेड बेसिक प्रॉपर्टी आपने यहां पे पढ़ी। इसी तरह से हम नंबर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने किसी नंबर को 3 से डिवाइड किया, तो जब हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, सपोज ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो आप क्या सोचते हैं कि कुछ कोशेंट आएगा और अल्टीमेटली यहां पर कुछ रिमाइंडर बचेगा, आर से लिखते हैं उसको। तो हम डिविडेंड को यानी कि ए को 3q प्लस आर लिख सकते हैं,
वेयर आर जो है वो जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा और थ्री से छोटा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर की वैल्यू जो है वो जीरो या जीरो से ग्रेटर और बी से लेस, बी का मतलब जो आपका डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, भाजक है जो आपका, उससे कम होगा। यहां पर हम थ्री से डिवाइड कर रहे हैं तो थ्री से छोटा रिमाइंडर आएगा, थ्री या थ्री से बड़ा रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। तो यहां r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जीरो या जीरो से ग्रेटर, मतलब जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, बस थ्री नहीं हो सकती क्योंकि थ्री से तो छोटा होना चाहिए रिमाइंडर। तो यहां हम किसी नंबर को जब थ्री से डिवाइड करते हैं तो उसको या तो थ्री क्यू प्लस जीरो लिखा जा सकता है, या फिर थ्री क्यू प्लस वन लिख सकते हैं, या फिर थ्री क्यू प्लस टू लिख सकते हैं, क्योंकि r की वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, यहां पर जीरो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। जब r की वैल्यू जीरो होगी तो इतना, r को वन लेंगे तो थ्री क्यू प्लस वन, और अगर किसी नंबर को थ्री से डिवाइड करने पर टू रिमाइंडर बचता है तो उस नंबर को हम थ्री क्यू प्लस टू लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स भी हैं आपकी बुक में, हम एग्जाम्पल नंबर टू पे आते हैं। आपकी बुक में सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आपको बोला है कि प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज टू क्यू प्लस वन, किसी भी विषम धन पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं a कोई विषम धन पूर्णांक है, राइट, लेट a बी ए पॉजिटिव इवन सॉरी ऑड इंटीजर, ठीक है। अब यदि a को दो से भाग किया जाए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि a को हम 2q प्लस r लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से भाग कर रहे हैं तो b 2 हो गया, q क्वोशेंट जो भी आएगा, r रिमाइंडर जो भी आएगा, जहां r की जो वैल्यू है वो जीरो हो सकती है, एक हो सकती है, दो नहीं हो सकती या दो से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि हम दो से डिवाइड कर रहे हैं, r जो है आप ध्यान रखिए b से छोटा होता है हमेशा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a को हम 2q प्लस जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 2q प्लस जीरो लिखेंगे 2q आएगा, और 2q प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अगर 0 शेष बचा तो 2q लिख सकते हैं, अगर 1 शेष बचा तो 2q प्लस 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई शेष बच ही नहीं सकता क्योंकि डिवाइड ही हम दो से कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो विषम पूर्णांक है वो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 2q है, 2q का मतलब क्लियर बात है कि ये 2 और q का प्रोडक्ट है, 2 से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सम संख्या, एक इवन नंबर ही आता है। तो यहां हम लिखेंगे कि जो 2q है वो एक सम संख्या है, लेकिन a क्या माना था हमने, विषम संख्या थी, विषम यानी कि a की वैल्यू 2q नहीं हो सकती क्योंकि ये तो सम हो जाएगा। इसका मतलब a को हम 2q प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 2 फर्स्ट चैप्टर का, ये एग्जांपल 3 भी बिल्कुल मिलता जुलता है इसी सेकंड एग्जांपल से, वहां 2 से डिवाइड करना था, यहां इसने बोला है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं, ये ऐसा सिद्ध करना है हमने। तो वही सेम बात ले लेंगे हम, मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, वहां 2 से डिवाइड कर रहे थे क्योंकि 2q प्लस 1 की फॉर्म में उसको दिखाना था, यहां 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की फॉर्म में दिखाना है, तो वहां से हमें क्लियर हो रहा है, 4q देख के क्लियर हो रहा है कि यहां 4 से डिवाइड करना है, डिवाइजर यहां पर जो b है वो 4 है। तो क्या करेंगे, a को 4 से भाग देने पर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जब आप a को 4 से भाग दोगे तो 4q प्लस r लिखोगे
और जहां r की वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार या चार से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हम डिवाइड चार से कर रहे हैं तो चार से कम ही रिमाइंडर बचेगा। तो अब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं कि a की वैल्यू 4q प्लस 0 होगी, r की जगह अगर हम 0 लें तो, या फिर a की वैल्यू 4q प्लस 1 होगी अगर हम r की जगह 1 लेते हैं तो, अगर हम r की जगह 2 लेते हैं तो 4q प्लस 2, और r की जगह 3 लेते हैं तो 4q प्लस 3। आपके पास ये चार ऑप्शन आ जाते हैं कि a की वैल्यू इन चारों में से कोई ना कोई होगी। अब हमने ये देखना है कि यहां पर a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम का मतलब वो दो से डिवाइड नहीं होता। दो से डिवाइड नहीं होने का मतलब क्या है कि उसमें दो फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसका एक गुणनखंड दो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप यहां इसको और इसको देखिए क्या हो रहा है। यहां पर यदि a की वैल्यू हम 4q लें या 4q प्लस 2 लें तो क्या हुआ कि a की वैल्यू 4q जब हम ले रहे हैं तो 2 गुना 2q लिख सकते हैं इसको, मतलब ये 2 से भाग हो रहा है। और अगर ये लेते हैं तो यहां 2 कॉमन लेके 2q प्लस 1 बचता है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2q प्लस 1। तो यहां इन दोनों केसेस में हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, और 2 से डिवाइड होने का मतलब सम है, जो कि सम है। परंतु a क्या था, a तो विषम है, इसलिए a की वैल्यू ये और ये नहीं हो सकती। a की वैल्यू क्या होगी, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, राइट।